मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हटाए जाने के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया गया। इसके बाद से ही निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के MBBS और PG कोर्सेज की फ़ीस को लेकर तस्वीर भी साफ नहीं थी। इसे लेकर हाल ही में NMC ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने MBBS और PG कोर्सेज की फ़ीस को लेकर गाइडलाइंस दी हैं और साथ ही सुझाव भी मांगे हैं। ड्राफ्ट में NMC ने कहा है कि किसी भी निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी को कैपिटेशन फ़ी चार्ज करने की अनुमति नहीं होगी। शुल्क के निर्धारण के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शिक्षा के नॉट फॉर प्रॉफिट होने के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाए। आगे NMC ने ड्राफ्ट में कहा है कि स्थायी आधार पर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थान के संचालन और रखरखाव के लिए सभी प्रकार के खर्चों को फीस में शामिल किया गया हो। कोई भी अत्यधिक खर्च फीस में जोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पिछले साल जुलाई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने UG PG मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए भी निजी मेडिकल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में फीस को रेगुलराइज करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था। अब कहा जा रहा है कि ये संशोधित फीस स्ट्रक्चर निजी मेडिकल कॉलेजों पर 2021-22 एकेडमिक ईयर से लगाया जाएगा। NMC ने यह भी कहा है कि मेडिकल कॉलेज एजुकेशन फीस में हॉस्पिटल चलाने की लागत को नहीं जोड़ सकते हैं, किंतु फीस में एजुकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले अस्पताल के संसाधनों के हिस्से को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि यदि कोई अस्पताल घाटे में चल रहा है तो राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरण अस्पताल की लागत को 20% तक मेडिकल कॉलेज की लागत के हिस्से के रूप में गिना जा सकता है। ड्राफ्ट में आगे कहा गया है कि रेजिडेंसी पर PG छात्रों को दिए जाने वाले स्टाइपेंड को भी मेडिकल कॉलेज की संचालन लागत में शामिल नहीं किया जा सकता। NMC ने मेडिकल कॉलेजों को सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में ज़्यादा राशि नहीं लेने को भी कहा है। NMC द्वारा जारी इस 7 पेज के ड्राफ्ट में मेडिकल कॉलेज की संचालन लागत की विस्तार से कैलकुलेशन की है। ड्राफ्ट में यह भी कहा है कि फीस 3 साल के लिए या सालाना आधार पर तय की जा सकती है। किसी विशेष वर्ष में कॉलेज में शामिल होने वाले छात्र के लिए निर्धारित शुल्क कॉलेज में उसके अध्ययन की पूरी अवधि के लिए समान रहना चाहिए। ड्राफ्ट निजी मेडिकल कॉलेजों को सिक्योरिटी राशि लेने की अनुमति देता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए जाने वाली डेवलपमेंट फीस रनिंग कॉस्ट का 6-15% की दर से जोड़ा जा सकता है। ड्राफ्ट में जारी गाइडलाइंस के आधार पर निर्धारित शुल्क राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मौजूदा शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि अधिकांश मेडिकल कॉलेज सरकार द्वारा जारी फीस रेगुलेशन के इस ड्राफ्ट का विरोध करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के नज़रिए से ये एक लाभकारी और अहम कदम है जो कि मेडिकल कॉलेजेस में डोनेशन से हो रहे एडमिशन पर लगाम लगा सकता है।